नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे जमीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर। बिहार में जमीन से जुड़े सबसे अधिक मामले हैं, यानी कि उस मामले को लेकर जो है आपराधिक मामलों की संख्या जो है पिछले कई दिनों से जो है अधिक देखने को मिली है। ऐसे में बिहार सरकार लगातार आपराधिक मामलों में कमी लाने की बात कह रही है, साथ ही साथ जमीन से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की भी बात कह रही है। बिहार में सरकारी जमीन से संबंधित स्वतंत्रवाद से जुड़े मामलों को सरकार का पक्ष मजबूती और समय रहते नहीं रखने वाले सरकारी भूमि के संरक्षक शिथिलता लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं उसको लेकर जितने भी मामले कोर्ट में लंबित पड़े हैं, अगर कोई वकील या फिर अधिकारी उन मामलों को लेकर कोर्ट में अगर उसकी तारीख के दिन नहीं जाता है तो उस पर जो है कार्रवाई होगी, उसको लेकर जो है उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले को लेकर हम आगे इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि विभाग वैसे लापरवाह सरकारी सेवकों के खिलाफ विभागीय एवं अनुशासनिक कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जिन पदाधिकारियों या फिर कर्मियों के कर्तव्यहीनता के चलते सरकार को क्षति पहुँचती है, इसके खिलाफ उक्त सरकारी भूमि के समतुल्य राशि की भी वसूली की जाएगी। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर अगर कोई सरकारी अधिकारी गंभीर नहीं दिखता है तो उस पर जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी पूरे मामले को लेकर भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। इसके साथ साथ भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने भी सरकारी जमीन के संरक्षण में सरकारी पदाधिकारियों द्वारा बरती जा रही शिथिलता को लेकर कई बार चिंता जाहिर की है। पटना उच्च न्यायालय की सुनवाई करते हुए व्यवहार न्यायालय ने सरकारी जमीन के मामलों में एकपक्षीय फैसला देने की प्रवृत्ति को रोक लगाने के लिए विभाग के प्रबंध सचिव को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ आदेश के आलोक में एकपक्षीय आज्ञाप्ति के मामलों में रोक लगाने के लिए विभाग के स्तर पर ये अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है। विभाग की तरफ से जिलाधिकारियों के लिखे पत्र में अनुमंडल स्तर पर सरकारी भूमि के संरक्षण और सुरक्षा एवं दायर स्वतंत्रवादों के समीक्षा के बाद परामर्शदात्री समितियों के गठन का भी आदेश दिया गया है। वहीं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति में 7 सदस्य होंगे, जिसके अध्यक्ष जिले के समाहर्ता होंगे। विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी उसके सदस्य सचिव होंगे। इस समिति के अपर समाहर्ता और जिला भू अर्जन पदाधिकारी समेत 5 और अधिकारी इसमें शामिल होंगे। इसी तरह से अनुमंडल स्तरीय परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होंगे, जबकि भूमि सुधार पर समाहर्ता सदस्य सचिव होंगे। इस समिति में अनुमंडल मुख्यालय स्थित अंचल के अंचल अधिकारी समेत 3 और अधिकारियों को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी को लिखे पत्र में यह भी कहा गया है कि जिला स्तर पर प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा के तहत अनुमंडल स्तर पर भी एक विधि पदाधिकारी या फिर प्रभारी विधि शाखा का गठन किया जाए और संबंधित अधिकारी स्वतंत्रवाद के मामलों की सूची बद्ध कर सरकारी वकील के माध्यम से सरकारी पक्ष रखेंगे। जिला समाहर्ता द्वारा व्यवहार न्यायालय से यह अनुरोध किया गया है, जिस प्रकार उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के मामले में सरकार को प्रति शपथ पत्र दायर करने का अवसर दिया जाता है एवं दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लिया जाता है, उसी प्रकार स्वतंत्रवादों में प्रति शपथ पत्र दायर करने के बाद भी निर्णय लिया जाए। इसका मतलब अब इस पूरे अगर हम खबर को अगर हम और विस्तार से अगर हम समझें तो इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब तक जो प्रणाली चलती आ रही है, अब तक की जो परिपाटी चलती आ रही है, उसमें सरकारी जमीनों कि जितने भी केस मामले चल रहे हैं उसमें जो है सरकारी पक्ष रखने के लिए वकील या फिर अधिकारी कोर्ट तक नहीं पहुंच रहे थे। ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि भूमि के मामले में जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उसको लेकर जो है सरकारी अधिकारी जो है अब कोर्ट में आएँ और उस पर जो है अपनी दलील पेश करें, ताकि ये सही हो साबित हो सके कि यह जो ज़मीन है वाजिब किसका ज़मीन है, इसका हकदार कौन है। तो ऐसे में जो है एक तरह से कह लें कोर्ट और बिहार सरकार जमीन से जुड़े मामलों को लेकर लगातार सतर्क रहा है और उसको लेकर नए नए कानून बनाता रहा है। ऐसे में अब कोर्ट के आदेश के बाद से बिहार सरकार इस पर भी और कड़ा एक्शन लेगी। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे मामलों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।